नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी प्राविक पांडे पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगा। ये मैं किस सारे एग्जामों में क्वालिफाई करने के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कई सारी एग्जामों में सिलेक्ट होने के आधार पर कह रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहेंगे। और आज हम लोग सीटेट का पहला क्लास लेने के लिए जा रहे हैं। हमारा पहला क्लास है विकास की अवधारणा। जैसा कि आप जानते हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है, ये हमेशा चलती रहती है। और विकास का यही क्लास लेने के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जैसा कि आप जानते हैं, विकास चाहे भारत के किसी बच्चे का विकास भारत के किसी कोने में हो या विदेश के किसी कोने में हो, सबका विकास सेम होगा, उनका पैटर्न सेम होगा। इट मीन्स विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी रुकती नहीं है। ये बच्चे के जीवन में आने से पहले गर्भ से ही और उसकी मृत्यु तक चलती रहती है। क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है विकास को। विकास में हम स्टेप बाय स्टेप हमारे में परिवर्तन आते जाते हैं और ये परिवर्तन एक सीक्वेंस में आते हैं। बच्चा जन्म लेता है, पहले वो हाथों और पैरों के सहारे चलता है, उसके बाद वो सीधे पैरों पे चलना लगता है। बच्चा पहले तुतलाता है, फिर वो बोलने लगता है, फिर वो गाने लगता है। इट मीन्स विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी है। विकास के कई सारे रूप हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आकार में परिवर्तन, आप जानते हैं जो बच्चा है जब जन्म लेता है तब उसका आकार कुछ और होता है, जब वो बाल्यावस्था में आता है तब उसका आकार कुछ और होता है, जब वो किशोरावस्था में आता है तब उसका आकार कुछ और होता है, जब वो प्रौढ़ावस्था में आता है तब उसका आकार कुछ होता है। इट मीन्स विकास के अंदर आकार में परिवर्तन होता है। हमारे बाजू छोटे होते हैं, हमारे बाजू बढ़ते हैं, समझ रहे हैं आप। सेकेंड पॉइंट है अनुपात में परिवर्तन। विकास अनुपात में परिवर्तन से मतलब है कई सारे अंग हमारे शरीर के अंदर ऐसे हैं जिनका विकास नहीं होता है। आपको पता है हमारी जो आंख है ये जन्म के समय जितनी थी बड़ी थी, उतना ही मृत्यु के समय भी हमारी इतनी बड़ी आंख होती है। इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसमें आनुपातिक परिवर्तन होता है। थर्ड पॉइंट है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। जो हमारी पुरानी रूपरेखा है उसमें परिवर्तन आता है। पुरानी रूपरेखा मीन्स पहले हम लोग तुतलाते हैं, फिर बोलते हैं, फिर गाते हैं, पहले हम लोग गुड़कते हैं, फिर चलते हैं, फिर दौड़ते हैं। तो हमारी रूपरेखा में भी परिवर्तन होता है, जो हमारे आकार का बनावट है उसमें भी परिवर्तन होता है। नए गुणों की प्राप्ति, हम कई सारे नए गुण भी सीखते हैं जैसे जैसे हमारा विकास होता है। हम कई सारे नए गुण भी सीखते हैं, जैसे कि हम लोग पहले बचपन में तुतलाते हैं, फिर बोलते हैं, फिर गाते हैं, हम लोग पहले गुड़कते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। इट मीन्स हमारे अंदर कई सारे नए गुणों का परिवर्तन भी हो रहा है। अब हम लोग विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला सिद्धांत है निश्चित प्रतिरूप। विकास का पैटर्न हर जगह सेम है, हर बच्चे का सेम है। ऐसा नहीं कि राम का विकास अलग से होगा, श्याम का विकास अलग से होगा, सबके विकास का जो पैटर्न है वो सेम है। पहला निश्चित प्रतिरूप, मस्तको धमनी मुखी। सबका विकास मस्तिष्क से हमारे पैर की तरफ होता है। जब बच्चे का भ्रूण विकास होता है, भ्रूणावस्था में भी सबसे पहले हमारा मस्तिष्क बनता है, उसके बाद मस्तिष्क से हमारे नीचे की ओर विकास, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होता है। सेकेंड पॉइंट है निकट दूर विकास। इट मीन्स सबसे पहले हमारे केंद्रीय शरीर का विकास होता है, जो हमारे सेंटर में, हमारे गले का, हमारे पेट का, इनका डेवलपमेंट पहले होगा, उसके बाद हमारे बाजू का। इट मीन्स निकट से दूर की तरफ विस्थापन, समझ में आया। नेक्स्ट है सामान्य से विशेष। सामान्य से विशेष
इससे मतलब क्या है, बच्चा पहले एक दो शब्द सीखता है, उसके बाद बच्चा वाक्य में बनाने सीखता है, उसके बाद बच्चा गाने सीखता है। मतलब आपने देखा कि पहले वो एक दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, फिर वो वाक्य बोल रहा है, फिर वो गा रहा है। मतलब सामान्य से जनरल टू स्पेसिफिक हमारा विकास होता है। नेक्स्ट है विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। विकास हमारा मानना है कि जो विकास है वो अवस्थाओं के अनुसार होता है, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो दांत है, जो हमारे दांत है वो 5-6 महीने में आते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। दांत का जो बीजारोपण है वो हमारे गर्भ अवस्था में ही हो जाता है, वो हम जब 5 या 6 महीने के होते हैं तभी हो जाता है, लेकिन वो हमें दिखते हैं जन्म के पश्चात। इट मीन्स विकास अवस्थाओं में होता, विकास विकास निरंतर चलता रहता है। विकास इस अवस्था में हो रहा है, इस अवस्था में जो नहीं, विकास निरंतर होता रहता है। ये है कि पहले स्लो फिर फास्ट, ऐसा होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभेद। विकास में व्यक्तिगत विभेद भी पाया जाता है। व्यक्तिगत विभेद मीन्स हर व्यक्ति का जो विकास है वो अलग अलग रफ्तार से होता है। कुछ का विकास बहुत तेजी से होता है तो कुछ का विकास धीरे धीरे होता है। कोई बच्चा जल्दी चलने लगता है तो कोई बच्चा धीरे धीरे चलता है, कोई बच्चा जल्दी बोलने लगता है तो कोई बच्चा धीरे धीरे बोलता है। इसे कहते हैं व्यक्तिगत विभेद। अगला है मंदता एवं तीव्रता। जैसा कि मैंने बताया आपको कि विकास हमेशा एक सेम पैटर्न से नहीं होता, कभी विकास स्लो होता है, कभी विकास फास्ट होता है। आपने देखा होगा कि हमारा डेवलपमेंट बाल्यावस्था में बहुत तेजी से होता है, लेकिन जैसे ही हम किशोरावस्था में आते हैं तो हमारे जो विकास का जो रफ्तार है वो धीरे धीरे धीमे धीमे हो जाता है। नेक्स्ट, विकास एक अविराम प्रक्रिया, विकास कभी रुकता नहीं है, वो दिखता रहता है, कई बार दिखता भी नहीं था। विकास प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा होता रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। इट मीन्स विकास एक अविराम प्रक्रिया है। ये हमारे महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। आशा है आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ये क्लास आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि मैं और इस तरह की वीडियो बनाता रहूं, और आपको सीटेट में या और भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स, जो KBS, MPTET, RTET, हर स्टेट के एग्जाम्स क्लियर करने में आपको मदद साबित होंगे। इसी के साथ मैं आपको आज की क्लास को अंत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।